हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने बिना पनीर की सब्जी बना के तैयार किया था। आइए देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से बनता है। तो उसके लिए मैंने एक लौकी लेके इस तरीके से पीसेज में काट ली, बड़े बड़े पीसेज में काट लिए, क्योंकि इसको हमें पीसना है। तो पीसेज छोटे बड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिक्सी जार ले लिया है, इसी में सारी लौकी डाल देती हूँ। इसी लौकी में एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दही ले लिया। दही हमारा फ्रेश है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं। ये दही इसी में डाल देती हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसको मैं ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी इसको अगर हम देखें ना, तो एकदम ये फाइन पेस्ट बन गया है। देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके का ये पेस्ट होना चाहिए। एक मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसी में ये पेस्ट मैं निकाल लेती हूँ। ये पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट बना है फ्रेंड्स, इसी तरीके का ये पेस्ट होना चाहिए। इधर मैंने चावल का आटा ले लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। ये आटा इसी पेस्ट में डाल के हमें ये थिक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊंगी और इसका बैटर हम इसे मिक्स करते हुए बना लेंगे। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, बस एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और अच्छे तरीके से इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक फेंट लेना है, ताकि ये जो इसका पेस्ट है ना, एकदम स्मूथ सा हो जाए, फ्लफी सा हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो कुछ भी नहीं डालेंगे, ये बस ऐसे ही बन के तैयार होगा। और ये देख रहे हैं ना, कितना वाइट वाइट सा ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो बस इसको 5 मिनट तक इस तरीके से फेंट लेंगे। ये देख रहे हैं, ये 4 से 5 मिनट तक मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से। अभी ये देख रहे हैं ना, ये पेस्ट जब ऐसे गिरा रही है तो इस तरीके से गिर रहा है, मतलब कि अच्छे तरीके से फेंट के तैयार हो गया है। इसको कर देती हूँ साइड में। एक ये प्लेट ले लिया है, मैंने हल्का सा ही ऑयल लगा दिया इस तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से निकल जाए। बैटर इसी में पूरा मैं डाल देती हूँ। आप चाहिए ऐसे प्लेट में रख दो, या फिर किसी भी केक टिन में भी रख सकते हो, किसी भी प्लेट में रख सकते हो। इस तरीके से इसको हिला देती हूँ या टैप कर देती हूँ ना, कि इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएगा। और उसी स्पैचुला से लेके इस तरीके से मैं ऊपर से, ये देखिए, इस तरीके से कर दूंगी ना तो एकदम प्लेन हो जाएगा, मतलब उबड़ खाबड़ सा नहीं रहेगा, ऐसे प्लेन हो जाएगा। इधर मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। इसी पानी में मैं कुछ प्याज काट के डाल दे रही हूँ, क्योंकि मसाले भी तैयार करने हैं, तो मसाले भी साथ में तैयार हो जाएगा। इस तरीके से प्याज आधा आधा काट दिया है। 4-5 पीस लहसुन ले लिया, इसको डाल देती हूँ। 2-3 हरी मिर्ची ले लिया, इसको भी डाल देते हैं। इधर मैंने 2 टमाटर ले लिया, ऐसे बीच से कट लगा दिया है। ये टमाटर भी इसी में रख देती हूँ ऐसे ही। साथ में सब्जी की ग्रेवी भी बन के तैयार हो जाएगी। इधर जो प्लेट में मैंने पेस्ट डाल के रख दिया ना, ये इसी कढ़ाई के ऊपर ऐसे रख देती हूँ। ये प्लेट को मैं ऐसे कवर कर देती हूँ और इसको 8 से 10 मिनट मैं मीडियम गैस पे पकने दूंगी। 8 से 10 मिनट में हमारा जो लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्ची डाली वो भी अच्छे से पक जाएगा ग्रेवी के लिए, और जो पनीर बना रही हूँ ये पनीर भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो बाई वॉच इसको 10 मिनट तक हमें पका लेना है। ये 10 मिनट तक पक चुका है, इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ऊपर से देखने से तो ये लग रहा है कि पक चुका है, मगर इसको अगर ऐसे हाथ से भी टच करूँगी ना, इस तरीके से टच करें तो हाथ में नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। या फिर एक चाकू की मदद से भी हम चेक कर सकते हैं। इसे किचन का नाइफ ले लिया है, इसे इस तरीके से टिप करके देख रही हूँ तो एकदम क्लीन निकल रहा है, मतलब कि ये हमारा जो पनीर बना रही हूँ ना, पनीर पक के तैयार हो गया है। प्लेट को हटा के रख देती हूँ दूसरे साइड पे। और इधर देख रहे हैं ना, जो टमाटर प्याज डला है ये भी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अभी गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा करके इसके छिलके निकाल देती हूँ। छिलका निकाल देने से जो हमारा ग्रेवी बनेगी ना, एकदम स्मूथ बनेगा। इस तरीके से काट के हटा देती हूँ। ये टमाटर का छिलका निकल गया, टमाटर इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कर देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद इसको हमें मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करना है, इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसी में 4-5 पीस काजू डाल रही हूँ। आप चाहिए तो काजू उबालने के टाइम में, जब मैंने प्याज टमाटर उबाला था ना, उस टाइम में भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी डाला है। इसको मैं ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये टमाटर प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया और इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बन गया है। इधर हमारा ये प्लेट का पनीर जो बना लिया है, ये भी ठंडा हो चुका है। तो किचन का नाइफ ले लिए, इससे मैं पनीर का शेप में काट लेती हूँ। छोटे बड़े जैसे भी आपको काटने हो, उस शेप में आप ऐसे काट सकते हो। तो मैं बस ऐसे चौकोर चौकोर शेप में काटूंगी। मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टी स्पून सरसों दाना डाल रही हूँ। जो मैंने ये पेस्ट बना लिया ना, ये पेस्ट इसी में डाल देती हूँ। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। वैसे तो मसाला हमारा पका हुआ है, लेकिन जो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है ना, इसको हमें थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेना है। और इसी में कुछ और मैं स्पाइसेस डाल देती हूँ। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टी स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ,
हाफ टी स्पून गरम मसाला डालूंगी, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन मसालों को मिक्स कर देते हैं साथ में, ये भी पक जाएगा और सब्जी का जो ग्रेवी है वो हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी। मसाले हमारे देखने पक चुके हैं, क्योंकि मसाले तो पके हुए ही हैं ना, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर इसमें मटर डालना है फ्रेंड्स, तो मटर भी आप डाल सकते हो, तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। बिना पनीर के मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार होगी। ग्रेवी आपको कितना डालना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के भी मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं ग्रेवी में। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कम ज़्यादा। इसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इसको हटा के ऐसे कवर कर देती हूँ और ग्रेवी में उबाल आने देती हूँ। तो देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सब्जी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया और देख रहे हैं ना, ये तेल मसाले साइड में लगने लगे हैं, मतलब कि सब्जी की ग्रेवी जो है बिल्कुल एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, इधर मैंने पनीर के पीसेज निकाल लिए हैं, ये देख रहे हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं, एकदम सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा बन के तैयार होगा। इसी ग्रेवी में 1-1 पनीर के पीसेज में डाल देती हूँ। आप चाहिए तो पनीर को फ्राई कर सकते हो। पनीर के पीसेज मैंने डाल दिए हैं, अभी बिल्कुल भी मैं स्पैचुला से चलाऊंगी नहीं, इसको भी ऐसे कवर कर देती हूँ। 1 से 2 मिनट इसमें भी उबाल आने देती हूँ, क्योंकि पनीर जब डाला है उसके बाद में ग्रेवी हमारी ठंडी हो गई है ना, तो ग्रेवी में उबाल आने देती हूँ। पनीर डालने के बाद भी देखिए उबाल आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। फाइनली ऊपर से 1 टीस्पून में कसूरी मेथी डालूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आए। बस अभी मिक्स कर देते हैं और ये गाढ़ी भी हो गई है फ्रेंड्स। सब्जी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। बस सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है और देख रहे हैं पनीर इस तरीके से फूला हुआ है, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है। गैस बंद कर देती हूँ और सब्जी खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। रोटी, पराठा, नान, चावल, पुलाव किसी के भी साथ खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसका कलर कितना प्यारा आया है, देख के तो खाने का मन कर गया, इतना टेस्टी लग रहा है। तो आइए खाने के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना पनीर की सब्जी बन के तैयार हो गई है। इसी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, खा के मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये मेरे बिना पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई। इस तरीके से बनाएंगे ना, बड़े हों या बच्चे, सब मांग के खाएंगे। तो आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।